तो मेरे साथ कुछ दिनों पहले एक हादसा हो चुका था, पहले आप वो चेक कर सकते हो। लफड़ा हो गया यहाँ भी, आगे का पैनल अभी खुलेगा। एक पकड़ लेना है, एक स्क्रू ड्राइवर लेना है, तो आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये वीडियो भी आप लोगों के बहुत काम आने वाला है, तो इस वीडियो को पूरे एंड तक देखना, स्किप बिल्कुल ना करना। तो मेरे साथ कुछ दिनों पहले एक हादसा हो चुका था, पहले आप वो चेक कर सकते हो। भाई लफड़ा हो गया यहाँ भी, जैसे मैंने गाड़ी को किक मार के स्टार्ट करने की कोशिश की, ऐसे अभी मैं कर रहा हूँ। यहाँ पर रेस देने गया मैं सीधा ऐसा, तो इसका रेस का एक्सीलेटर का वायर ही टूट गया। देखो देख रहे हो, वायर टूट गया भाई, अभी लग गए। मेरे को काम भी था, अभी वो काम रुक गया। देखा जाए तो अच्छा ही हो गया कि वो घर के आसपास ही टूटा, अगर कहीं रास्ते पे अगर टूट गया रहता तो मेरी हालत खराब हो जाती। तो भाई जैसे कि का वीडियो आप लोग ने देख ही लिया होगा, ये किक मारते हुए मैंने एक्सेलेटर को रेस देने गया तो एक्सेलेटर वायर ही टूट गया, तो आज नया डाल रहा हूँ मैं। इसका सीट खोला जाएगा और ये आगे का डब्बा खोला जाएगा और ये बीच वाला। तो ये है अपना एक्सेलेटर का वायर। तो आगे का पैनल अभी खुलेगा। बहुत गंदा है रे बाबा अंदर। अच्छा ये बीच वाला नेट था। तो इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि इस गाड़ी का जो एक्सेलेटर वायर है ये कितने का आता है और इसका फिटिंग चार्ज ऑल ओवर आपको इस वीडियो में पता। तो भाई देख सकते हो नया और पुराना जो वायर है उसका साइज सेम है, देखो। और ये बहुत पतला आता है, आपको यही वायर लगवाना है अपनी गाड़ी में। और दूसरे कोई सी गाड़ी का वायर एक्सेलेटर वायर आपकी गाड़ी में लगेगा ही नहीं। तो जो एंटॉक का जो वायर है ना ये पतला आता है, देखो ये पुराना वाला है जो मैं हाथ लगा रहा हूँ और ये नया वाला है। तो आप लोग ने वीडियो में देख ही लिया होगा कि जो एक्सेलेटर वायर है वो 300 रुपये तक मिल रहा है। क्लीन एंड डिसिप्लिन हो गया नया वाला वायर। नया वाला इंस्टॉलिंग चालू हो चुका है अभी। यार बाहर आया वही नंबर था। मनी नहीं देना चाहिए ना इसमें, मनी नहीं देना चाहिए था ना। ये क्या बोलता है, टूटेगा नहीं कैसे, मगर वो मनी तो टूटा नहीं ना, ये बीच में टूटा। ये टूटेगा नहीं, लंबा चलेगा। चलो देखते हैं। ग्रीस लगाने है, मतलब ग्रीस नहीं लगाने का, ऑयल ही चलता है क्या? ऑयल ग्रीस पकड़ लेते हैं, पकड़ लेते हैं। पीछे जॉइंट कर लो, लेगा
सब टाइट किया गया है, तो ऑलमोस्ट अपना काम पूरा हो चुका है। अभी सुनना, अभी अभी जो नया गाड़ी लिया था ना वैसा हो गया, भागेगा तो कैसा, अभी खप करके तो काम ऑलमोस्ट हो चुका है वायर लगा के, अभी फिटिंग करने के बारी है, तो चलिए नेक्स्ट स्टेप। देखा जाए तो इससे पहले भी मेरे साथ एक्सीलेटर वायर टूटा हुआ किस्सा हो चुका है, मगर इस बार घर के नीचे हुआ, ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आपके साथ अगर ऐसा कुछ हो जाए, एक्सीलेटर वायर टूट जाए, तो मैं आपको एक जुगाड़ बताता हूँ, आप आगे वीडियो में देख सकते हो। तो जैसे कि मैंने बोला था कि आपका एक्सीलेटर वायर टूट जाए तो आपको क्या करना है, कैसा जुगाड़ करना है, आप घर तक कैसे पहुंच सकते हो, मैं आपको बताऊंगा। तो सिंपल सा आपको क्या करना है, एक पकड़ लेना है, एक स्क्रू ड्राइवर लेना है। तो आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ, आ जाइए। तो आपको दिखता है यहाँ पर एक नट है, इसको निकालना है आपको, ये बाहर आ जाएगा पोर्शन। उसके बाद आपको क्या करना है बताए क्या, पकड़ से इसको पकड़ना है। अभी आपके पास हथौड़ा तो नहीं रहेगा, तो नीचे कहीं पत्थर रहेगा तो आप ले लेना, इसको दबा के ठोक के इसको काट लेना। फिर अंदर से जो वायर आएगा ना तो उसको आप बाहर निकाल लेना, ठीक है। उसके बाद गाड़ी चालू करना, और गाड़ी चालू होने के बाद वो जो वायर जो निकला है बाहर आ जाएगा, तो उससे आप पकड़ से पकड़ोगे, ठीक है। धीरे धीरे आप मतलब आप रेस दे पाओगे गाड़ी खींच खींच के, आपको संभाल के जाना है क्योंकि बहुत रिस्की है। इस प्रकार से आप जुगाड़ करके अपने घर तक पहुँच सकते हो। तो एक्सीलेटर वायर डाल दिया गया है, अभी पैसे दे के पल्टी मारता हूँ, कितना क्या लगा, फिटिंग चार्ज वगैरह सब बताता हूँ। तो इसमें कितना खर्चा हो गया, 298 का वायर है और 200 फिटिंग चार्ज हुआ। भाई क्या ही कहना, नया वायर डालने के बाद पिकअप जो ले रहा है ना, ये देखो मीटर पे देखना, देखो कैसे भाग। भाई नया वायर डालने के बाद ना गाड़ी एकदम नए जैसे हो जाती है, जैसे पहले नया कैसा था वैसे ही, एक नंबर लग रहा है स्मूथ। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है, आपके कुछ काम का लगता है, तो इस वीडियो को शेयर कर देना। तो चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना, आगे ही ऐसे बेहतरीन इंटरेस्टिंग वीडियोस मेरे चैनल पे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में।